प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय संचार मंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के 86वें जयंती के अवसर पर वीर बहादुर सिंह फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने इंदिरा बाल विहार स्थित वीर बहादुर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में फाउंडेशन के अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह ने अपने जीवन काल में हमेशा गरीबों एवं असहाय लोगों की मदद की थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने गोरखपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई थी और अपराधियों माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी तथा पूर्वांचल के विकास के लिए अभियान चलाया था। रामगढ़ताल परियोजना, ट्रांसपोर्ट नगर, राप्ती नगर तथा महानगर के पार्क को बनवाया था। गोरखपुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना उनका सपना था। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के अधूरे सपनों को साकार करना ही जीवन का लक्ष्य है। इस अवसर पर विक्रम बहादुर सिंह, राम सिंह, मनोज कुमार सिंह, राम सेवक सिंह, गोपाल सिंह, राधेश्याम सिंह, पिंटू सिंह, नन्हे सिंह, जीत बहादुर सिंह, अमरिंदर सिंह सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरमैन एवं नेशनल फाउंडेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के पुत्र जितेंद्र बहादुर सिंह ने कहा, वीर बहादुर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर बहादुर नाम रहेगा, वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर बहादुर नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर बहादुर नाम रहेगा। आज स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं संचार पूर्व संचार मंत्री भारत सरकार का जन्मदिन है, उनका 86वीं जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनके जन्मदिन को हम लोग आज मना रहे हैं। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी का योगदान गोरखपुर, विशेषकर गोरखपुर का में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, चाहे वो रामगढ़ ताल रहा हो, चाहे वो यहाँ गोरखपुर का इंडस्ट्रियल एरिया रहा हो, चाहे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर रहा हो, चाहे यहाँ के जितने आप तमाम उद्यान देखते हैं, यहाँ के चप्पे गोरखपुर के चप्पे चप्पे पर उनका योगदान दिखता है और वो हमेशा स्मरणीय रहेगा और आने वाले जो हमारे तमाम भावी नेताओं के लिए वो हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में सबको प्रेरित करते रहेंगे। ये गोरखपुर का सौभाग्य है कि उस तरह के महान व्यक्तित्व का इस पावन धरती पर आगमन हुआ था और उनका योगदान हर वर्ष हम सब इसी तरह याद करते रहेंगे। धन्यवाद।